अगली खबर में बात करते हैं भोपाल की, जहां पैरेट की स्पेलिंग नहीं बता सकी तो ट्यूटर ने 5 साल की बच्ची का हाथ तोड़ दिया। उसे कई थप्पड़ भी मारे, बच्ची को इतना पीटा कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दरअसल यह मामला भोपाल के हबीबगंज इलाके का है, जहां बिजली घर के पास E6 अरेरा कॉलोनी में भानु प्रताप सिंह कुशवाहा परिवार के साथ रहते हैं। वह प्राइवेट जॉब करते हैं। उनकी बहन की 5 साल की बेटी प्रिया भी पढ़ाई के लिए उनके साथ ही रहती है। भानु ने बताया कि अगले सत्र में बच्ची का एडमिशन अच्छे स्कूल में कराना है। इसके लिए बच्ची को घर के पास ही रहने वाले प्रयाग विश्वकर्मा के पास पढ़ने के लिए भेज रहे थे। भानु के अनुसार 27 दिसंबर को भी बच्ची रोजाना की तरह ट्यूशन पढ़ने गई थी। शाम करीब 4:30 बजे उसकी छोटी बहन रानू कुशवाहा का कॉल आया। उसने बताया कि प्रयाग ने प्रिया को बेरहमी से मारा है, चेहरे और हाथ पर चोट के निशान है। भानु तुरंत ही घर पहुंचे, देखा तो बच्ची दर्द से कराह रही थी। उसे तुरंत ही पास के प्राइवेट अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने एक्सरे कराया, उसके बाद उसके बाएं हाथ में फ्रैक्चर निकला। भानु ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उसे जमानत भी मिल गई। बच्ची ने बताया कि टीचर ने पैरेट की स्पेलिंग नहीं बताने पर पहले हाथ मरोड़ा, फिर गाल में 6 से 7 थप्पड़ मारे। बच्ची रोते हुए घर आई, उसने घर आकर पूरी बात बताई। बच्ची के मामा भानु के मुताबिक बच्ची दर्द से चीख रही थी, लेकिन आरोपी को थोड़ी भी दया नहीं आई। वह पहले भी बच्चों को बेरहमी से पीट चुकी है, हालांकि पहले कभी उसकी शिकायत नहीं की गई थी। आरोपी की उम्र 19 से 20 साल है, वह खुद कॉलेज में पढ़ता है, साथ ही बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता है। पुलिस ने बच्चे के साथ मारपीट करने वाले आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 323, किशोर न्याय और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 75 के तहत केस रजिस्टर्ड किया है। हबीबगंज थाना प्रभारी मनीष राज सिंह भदौरिया ने बताया कि दोनों धाराएं जमानती होने की वजह से उसे जमानत दे दी गई है। भानु ने बताया कि मुरैना में रहने वाले उनकी बहन की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में बच्ची जब 6 से 7 महीने की थी, तब से वह उसे अपने पास लेकर आ गए। उसका पालन पोषण भानु ही करते हैं। उन्होंने बताया कि बड़े स्कूल में एडमिशन देने से पहले बच्चों का टेस्ट लेते हैं। ऐसे में उन्होंने बच्ची को ट्यूशन भेजना शुरू किया था। उन्हें नहीं पता था कि आरोपी इतनी बेरहमी से उसे पीटेगा। हाथ बस मोड़ा जोर की से लिए। अच्छा, जोर के हाथ मोड़ा उन्होंने। हाँ, चटक गया।